हेलो उड़गन दोस्तों, अपने लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में रीस्टोर बैकअप कैसे करें या सिस्टम रीस्टोर कैसे करें, ये दोनों चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाओगे। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे दोस्तों। बैकअप एंड रीस्टोर और सिस्टम रीस्टोर कैसे मारते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप सीख जाओगे कि कैसे हम हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आपके लैपटॉप में अगर रीस्टोर मारना हो या बैकअप लाना हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको विंडोज़ पैनल पे जाके वहाँ पे सर्च करना है रीस्टोर। रीस्टोर सर्च करते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सिस्टम रीस्टोर का और बैकअप एंड रीस्टोर का। तो आपको अगर बैकअप एंड रीस्टोर दोनों करना है तो बैकअप एंड रीस्टोर वाले ऑप्शन पर जाना है। अगर आपको सिर्फ सिस्टम रीस्टोर करना है तो सिस्टम, जैसे सेटिंग, कुछ सेटिंग आप गलत कर दी या कुछ सेटिंग के कारण मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप सिस्टम रीस्टोर कर सकते हैं। नहीं तो आप बैकअप कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन डिलीट हो गया या कोई ऐसा चीज़ डिलीट हो गया तो आप बैकअप कर सकते हैं, वो चीज़ फिर वापस आ जाएगा। तो जैसे आपको बैकअप करना है तो बैकअप वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक किया हूँ, इससे यहाँ से आप बैकअप कर सकते हैं। जैसे ही आपको सिस्टम रीस्टोर करना है तो सिस्टम रीस्टोर वाले पे क्लिक करना है। आप विंडोज़ पैनल पर जाकर सेम सर्च करोगे रीस्टोर, तो आप सामने दो ऑप्शन मिलेगा, सिस्टम रीस्टोर का एंड बैकअप एंड रीस्टोर का। अगर आपको बैकअप एंड रीस्टोर मारना तो बैकअप एंड रीस्टोर पर जाके को क्लिक करके फिर बैकअप एंड रीस्टोर पे क्लिक करना है। अगर आपको सिस्टम रीस्टोर करना है तो सिस्टम, जैसे कि ये रहा सिस्टम रीस्टोर पे आपको जाके क्लिक करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका लैपटॉप या विंडोज आपका सिस्टम रीस्टोर हो जाएगा। कुछ भी सेटिंग आप या गलत कर दियो या कुछ ऐसा हो गया हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपने फिनिश कर देंगे तो यहाँ से मेरा सिस्टम रीस्टोर हो जाएगा। तो हमको रीस्टोर करना नहीं है, इसलिए मैं कट कर दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए दिया।